Hello children, it's story time. Today I'm going to narrate a Hindi story. Story name is Lomri or Angur. You all know Lomri means fox and Angur means Ang se Angur means grapes. Grapes are fruits. Grapes are sometimes sweet and sometimes sour in taste. Now in this story, the fox is trying to eat grapes. Let's see how the grapes are, sweet or sour. Lomri or Angur. Ek Lomri thi. Vah bahut bhuki thi. Bhojan ki talash mein vah idhar udhar bhatak rahi thi. Tabhi vah ek bagh mein ja pahunchi. Vah bagh angur ki thi. बाग में बेल पर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। पके अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूरों के गुच्छे ऊंचाई पर थे, लोमड़ी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसने कई बार छलांगे लगाई, लेकिन पूरा जोर लगाने पर भी वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। उसे एक भी अंगूर नहीं मिला। अब लोमड़ी उछल उछल कर थक गई और उसने हार मान ली। अपनी हार को छिपाने के लिए उसने खुद ही बोला कि अंगूर तो खट्टे हैं, इसीलिए मुझे अंगूर नहीं खाना, और लोमड़ी वहां से चली गई। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी काम के लिए जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, और अगर हमें वो चीज नहीं मिली तो उस चीज को लेकर गलत राय नहीं बनानी चाहिए। जैसे लोमड़ी ने अंगूर न मिलने पर अंगूरों को बिना चखे खट्टा कह दिया। आई होप you all have enjoyed the story. Now I'm going to ask you few questions and you are going to answer these questions to your parents. Okay, so be attentive. Kahani ka naam kya hai? First question is kahani ka naam kya hai? Next question is lomri भटकते हुए कहाँ जाकर पहुंची? Second question is लोमड़ी भटकते हुए कहाँ जाकर पहुंची? Next question, बाग में कौन से फल थे? I repeat, बाग में कौन से फल थे? Next, अंगूर पाने के लिए लोमड़ी ने क्या किया? I repeat, अंगूर पाने के लिए लोमड़ी ने क्या किया? एंड लास्ट क्वेश्चन इज हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आई रिपीट, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।